हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे कि एक ग्लैमर बाइक है, उसमें आगे से आवाज़ आती है, खट खट इस तरह से साउंड होता है। तो ये माइनर साउंड नहीं है, काफ़ी मैकेनिक परेशान हो चुके हैं। उसके बाद मेरे पास ये फॉल्ट आया है, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसमें क्या समस्या हुआ था। तो सबसे पहले जो है हैंडल रेसर, यहाँ जो लगता है हैंडल रेसर चेंज किया गया है, फिर भी ये साउंड बंद नहीं हुआ है। तो जब ये बाइक मेरे पास आई तो आगे से आवाज़ आ रहा था, चलाने के बाद खट खट का आवाज़। तो हमने रेसर खोल कर के देखा तो हल्का सा ढीला टाइप का था, तो उसे हम पंच करके टाइट करके लगाएं, तो फिर भी ये हमारा आवाज़ बंद नहीं हुआ। आवाज़ जब बंद नहीं हुआ तो रेसर तो हम फुल टाइट करके लगा दिए थे, ओरिजिनल रेसर, फिर भी आवाज़ बंद नहीं हुआ था। उनके बाद हमने ये शॉकर को खोला और शॉकर में दोनों का तेल यानी कि चेंज किया था। तेल हमने सोचा कि कम होगा, तो तेल चेंज करने के बाद ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। फिर भी गाड़ी चलाने के बाद खट खट की आवाज़ आ ही रही थी। बैरिंग भी इसका सही था, बैरिंग में भी कोई समस्या नहीं था। सबसे आखिर में हमें प्रॉब्लम पता चला, तो ये वाला जो देख रहे हैं ये नंबर प्लेट जो है हल्का सा मडगार्ड में टच होता था, हल्का सा, जिसके वजह से यहाँ पर मडगार्ड में देख रहे हैं कि दाग भी हो गया है, हल्का सा, बस यही साउंड था। तो जब हमने देखा कि हल्का सा मडगार्ड में ये टकराने के बाद खट से आवाज़ करता है, तो उनके बाद हमने क्या किया कि दोनों शॉकर को फिर से खोला, और खोलने के बाद एक एक ठेपी तेल देने के बाद उनके बाद फिर से गाड़ी चलाया, उसके बाद हमारा साउंड ख़त्म हो गया था। हमने विडॉल का यानी कि तेल डाला था, ये जो आप देख रहे हैं विडॉल का, इनमें से हम सारा तेल डाल दिए थे, फिर भी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो इनके डालने के बाद ऊपर से एक ठेपी दोनों शॉकर में एक एक ठेपी हमने डाला, जब डाल दिया उसके बाद फिर बाइक को चलाया तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो असल में क्या था, जो बाइक चलाते हैं वो भी थोड़ा सा भारी टाइप का था, वजन वाले आदमी, तो इसी वजह से ये समस्या हो रहा था कि यहाँ से टकरा के हल्का सा मडगार्ड में टच हो रहा था। जब हमने शॉकर को हल्का सा हाई किया तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इनमें कुछ मैकेनिक परेशान हो गए थे, उनके बाद मेरे पास आया तो हम भी परेशान हो गए कि क्या समस्या है, माइनर सब फॉल्ट ठीक नहीं हो रहा। तो आखिरकार में सब तेल डालने के बाद फिर से एक एक ठेपी डाले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर ऐसी समस्या आए, खास करके ग्लैमर बाइक सूता हुआ इंजन में, तो आप भी यही करें इस बाइक में, ख़ास तौर पर ये वाले बाइक में, ग्लैमर BS3 वाले मॉडल में, आपको पूरा ऑयल डालना है। और चालक का वज़न अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो, भारी हो, तो एक ठेपी और स्टिरर डालें, अगर ये आवाज़ कर रहा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।